गाइस नरेंद्र मोदी जी आए हैं। वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग गाइस। तो फाइनली अब हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। अब गंगेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे और काफी शानदार व्यू रहता उधर का भी। और अभी ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, रात में कितना खतरनाक लग रहा था, आपको दिखाया था। दो साल के दो सामान उठाएगा, ये नहीं दो साल का बच्चा बोलेगा, बस अभी दिखाने के लिए उठा लिया है। तो बस अब वही सब लोग इधर से चेकआउट करेंगे, सामान वामान रखेंगे गाड़ी में और फिर निकल जाएंगे दर्शन के लिए। और बाकी के बहुत सारे मतलब बीच वगैरह है इधर, हम बीच के एंजॉय नहीं करेंगे, हम करेंगे सोमनाथ जी में, बढ़िया उधर सब चीज़ अच्छी है। और बाकी इधर तक खास माहौल दिख नहीं रहा बीच बीच का। देखो हमारा एक छोटा सा भाई है, पागल थोड़ा सा, लेकिन आपको ज़्यादा दिखाएगा वो। चल गाइस, भीड़े भाई के साथ हम आ चुके हैं, पूरा बैग वैग सब जम गए और सब रेडी हो गए। एक में वो सेक्रेटरी अक्षय जायसवाल जी, एक में वो सेक्रेटरी टूर के, मैं तीसरा सेक्रेटरी, मैं तो ड्राइवर के साथ पे सामान लेके घूम रहा हूं। अभी ट्रेनिंग पे मोहित जायसवाल जी, अभी के इनकी इंटर्नशिप चल रही है वहां की। हां सारी चीजें हम बताएंगे कि कैसे कहां पर क्या क्या मैनेज करना है, कि कौन कौन से बिल रखना पास में, कोर्स करवाया जाना, हिसाब जोड़ना पड़ेगा तो फिर लगेगा जरूरत। वही सबके एक व्यक्ति को अपना पेमेंट दे दो सब कुछ, और बाद में हिसाब करेंगे सबका कैसे क्या। बाकी संपर्क करिए मेरे को, मैं आपको पूरा इंडिया से बाहर घुमा सकता हूँ, इंडिया के अंदर घुमाएंगे आपको, वो भी बस फोन के अंदर, ज्यादा कुछ भी नहीं है। थोड़े बस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया उधर का, शॉर्ट लिए नहीं क्योंकि फोन चार्ज पे तो, और मैं था नहीं। नाश्ता वास्ता क्या होता है, हम तो ये बोलेंगे इंदौर है, इंदौर का हम ऐसे ही बोलेंगे। गाइस हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे बढ़िया। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। पूरा सब रेडी हो गए, गंगेश्वर महादेव से मिलेंगे यहां पर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, देखो कितना शानदार व्यू लग रहा है यार सच में। कैमरे में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, बाकी सच में इतना सुकून मिल रहा है इसको देख के समुद्र को। बाकी हम लोग क्या जो बीच के असली मजे रहते हैं वो हम सोमनाथ जी के अंदर लेंगे, बहुत ही प्यारा है उधर, अच्छे से नहा कर सकते हैं, स्पॉट उन सब बने हुए इधर क्या मेन, बस दर्शन के हिसाब से अभी आए हुए हम लोग, और बाकी जो स्पॉट है वो देखेंगे, मिलते उधर ही। मेन गेट बोलते उधर गंगेश्वर महादेव का, इधर गाइस एक बार मैं डूब गया था यहां पे तो पता भी नहीं चलता, उधर फिर भी लिखा था दासेडू ठटाको ना बड़े वाले, बस वही गंगेश्वर महादेव। ये देखो मेन क्या व्यू में गंगेश्वर महादेव, जहाँ पर समुद्र स्वयं आके भगवान का जलाभिषेक जलाभिषेक करते, और यहाँ हमारे मम्मी, हमारी मम्मी भोले की परम भक्त। गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, अब मंदिर के बाहर है भी अपन, मतलब मंदिर के अंदर जहाँ एरिया है वहाँ पहुंच गए। और देखो कितनी प्यारी लहरें आ रही है अभी, एक्सपीरियंस व्लॉगिंग है कैसे क्या बोलते करते हैं। तो मैं नहीं कर रहा ना भाई ये काम यार, ये बस के आगे यार भाई चश्मा लगाया मेरे को व्लॉग का शॉट लेने देना, ले ले आके देखो कितनी जोर से लहर आ रही है। सच में यार बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू तो। अपन की तीसरी बार आ रहे हैं ना समुद्र पे कोई से, एक अपन धनुषकोडी गए थे, जब बेस्ट था यार वो, इतना शानदार व्यू। और सब घर वाले धीरे धीरे ठुमकते ठुमकते आ रहे हैं, चल निकल अब बिल्कुल अंदर, भगवान के दर्शन करवाएंगे आपको। गाइस मैं आपको भगवान के दर्शन करवाता हूं, अभी अभी लेके चलते, चलो मम्मी पापा के पास से लेके जाएगा, बताता हूं मेरे को पैसे मिल जाएंगे। पापा कैसा फील हो रहा आपको समुद्र देख के? समुद्र अपनी जगह, बाकी जो मुख्य यहाँ पर वो है गंगेश्वर महादेव, जहाँ पर समुद्र स्वयं आकर भगवान गंगेश्वर महादेव का जलाभिषेक स्वयं करते हैं, ये यहाँ की खासियत है। गंगेश्वर महादेव चौधरी है ना नीचे पर पानी आता आएगा, वही हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना हो कैमरे को लेके। वहाँ पर शिव जी का देखो वो रे महादेव शिवलिंग, बाकी अभी के अंदर बहाव ज्यादा नहीं पानी का, कुछ कारण के अंदर पानी आ नहीं रहा है। ऐसी विशेषता 24 घंटे में कभी भी समुद्र देव यहाँ पर आके अच्छा वो करते करते। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कितना प्यारा लग रहा था सबसे भगवान जी को, एक दो तीन चार पांच शिवलिंग है टोटल, हर हर महादेव। नारियल इधर ही आले, नारियल चढ़ाते ओम नमः शिवाय, ओम सारी मनोकामना सभी की पूर्ण करे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं।
देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है। तो हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए और प्रसाद भी भूखा। गाइस कुछ लोग नियम तोड़ रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाइस नरेंद्र मोदी जी आए हैं और इधर लोको चाचा उनका फोटो शूट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। देख मोदी जी है, मोदी जी हेलो गाइस, हम आ चुके हैं दीव आसमान की ऊंचाइयों में, अबे समुद्र के तट पर है, गहराइयों में आसमान की ऊंचाइयों में आ चुके हैं। देखो इस फाइनली हम समुद्र तट पर आ चुके हैं, लेकिन इधर हम नहाएंगे नहीं, सोमनाथ जी में नहाएंगे। आपको कितनी बार बताया, बार बार बताएंगे। और देखो कितना शानदार व्यू लग रहा है, अब सब लोग निकल रहे हैं। अब इधर कुछ बात ऐसी हुई है, जो ये दिख रहे हैं शेलफोन, इसमें से क्रैबो निकल रहे हैं। शब्दों का प्रयोग करे जो हम आपको इसमें नहीं दिखा सकते। तो अक्षय भाई ने बोला अगर तू बैठ जाएगा क्रैब शेल के ऊपर तो क्रैब तेरी काट लेगा। जाहिर सी बात है, जहाँ रख के आप पर चढ़ोगे वो चीजें काट लेता है, बैठोगे तो वही काट लेगा। एक्चुअल मैंने वर्ड कुछ और बोला था, अभी बोल नहीं रहे हो क्या, शर्माते आप लोगों से। लोगों ने दर्शन कर लिया भैया, ये लजाऊ टिक रहा। तो हम लोगों ने दर्शन वगैरह सब कर लिए, फोटो शूट कर लिए, बहुत गलती करी फोन लेने की। क्या सब वीडियो देखो, ये हमारी एक्टिंग कर रहे थे क्या, हमने भी क्या रील शॉट लिए ना इधर से, इसलिए तो कितना शानदार लग रहा है। आ जाओ इधर आके, ये देखो किस्सा है। और भाई क्या देखो भाई, ये DDLG वाले भाई, क्या सब सर के ऊपर से कबूतर बना रहे, ऐसा लग रहा है ऊपर आके कुछ कर नहीं दे रही। सच में तो मामला नहीं हो जाए, ले लिया सर। गर्मी क्या बहुत ज्यादा पड़ रही है, चश्मा भी ले लिया मैंने नया, देखो कितना मस्त लग रहा है। और इधर बस गन्ने का जूस पी रहे, गर्मी को भगाने के लिए, बॉडी में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। यार देखो ये मलाई नहीं है, रबड़ी है, रबड़ी विद मलाई है। वो क्या पापा ने अपने हाथों से खिलाई तो वो क्या बोलते हैं, रबड़ी बन गई है साहब। सीमन बना दी ए वो इस अच्छा एक मोदी, इसमें प्यार की मिठास है। तो गाइस चाचा को अभी मिले थे हमारे मोदी जी, मोदी जी का फोटो क्लिक कर रहे थे आप, अरे वाला ना कर रहे थे और सोमनाथ द्वारिका, सोमनाथ द्वारिका। ये कंडक्टर आ गया हमारा, बस हमारे वाले। तो अब चाचा भी बढ़िया मस्त फोटोग्राफी का शौक रखने लग गए, देवत्ती। ओ भाई ने इतना परेशान कर दिया फोटो ले लेके, और लग भी ठीक ठाक ना मॉडल था जैसा भी था। और ये देखा हमारे भिड़े, अरे यार भाई सब लोग इधर से निकल रहे हैं, अब जाएंगे सोमनाथ जी, तो लगाओ नारा सोमनाथ महाराज की जय। तो गाइस हम लोग खाना खाने के लिए रुके अभी, और बस 8 किलोमीटर की दूरी पे है सोमनाथ जी। ये अनुज ने भी अभी इसका क्या इनॉग्रेशन करा है, गूगल मैप की मदद से सबको बता रहा हूँ कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ क्या करना है। ऐसा ठीक है, हम लोग के थोड़ा ठीक है, और ठीक है। अरे चोर बता रहा है गाइस, देखो इन लजाऊ ठिकरों को प्रैंक हो गया जी। तो हम लोग इधर का खाने के लिए रुक गए, सब लोग बैठे हुए इधर, सब ऐसे कंजड़ जैसा चिल्ला रहे बिल्कुल। अक्षय भाई को देखा जैसे चेकिंग है ना, अक्षय भाई कुछ बोलना चाहोगे? नहीं अभी अभी क्या, मैंने इनको दो बार चिढ़ा दिया। ये देखो सर मम्मी पापा को, बस खाने का वेट कर रहे हम, खाएंगे पिएंगे और निकल जाएंगे। तो इनका दो हर बार के पूरी हर जगह इनको का लाना नहीं, चला जाओ कि गिरो नहीं लोग। ये क्या कर रहा, खाली लगे सलाद लगा उसको, बोलते ऐसे कोई लगाता है भाई। सब लोगों का खाना पीना हो गया है, कुछ रिव्यू देना चाहोगे? बहुत बढ़िया लजीज भोजन का आनंद लिया है, बढ़िया बैंगन का भरता, सेव टमाटर की सब्जी और रोटियां के साथ। तो ये होटल जायका, जायका जरूर आए, सच में खाना बहुत टेस्टी है इनका, तो गुजराती में लिखा हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन का। बोल निकल फिर नहीं करते हैं आजकल। क्या मैंने सोचा मैं भी रोस्ट करना सीखूं धीरे धीरे करके, बोलना Until the real roaster alive। ओ देखो भैया भी हमारे ये खाना परोस रहे हैं, मैं स्मार्ट दिख रहा हूं कि नहीं, आप मेरे को कमेंट में जरूर बकवास आदर्श को।
एक ही इंडिया, एक ही इंडिया। आ जाओगे अभी? वाह चलो भाई, बेटी कंगाल में हाथ धोती है। भाई सभी लोग रेडी हो गए सोमनाथ जी जाने के लिए, बोलना चाहेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस अब जाएंगे बढ़िया, बीच पे भी हुआ तो अभी जाएंगे नहाएंगे बस। क्या व्लॉग में दिखाने के लिए बोला था कि भाई मेरा व्लॉग में तो मेरी पोनी दिखा देना, जान में बोला था क्या? देखो बुआ जी हमारी तैयार हो क्या के, हर हर महादेव, वो बड़ी में भी तैयार हो क्या के। तो भाई सभी लोगों ने हमारे साथ चोट करी है, सबने बोला कि ड्रेस चेंज नहीं करना, और इन लोगों ने चेंज कर ली है। देखो सबने चेंज कर लिया, अक्षय भाई ने भी चेंज कर लिया, बोला कि नहीं करना है तो बहुत यार अक्षय ये अलग चालू। भाई देखो सोमनाथ जी का शिखर कितना प्यारा लग रहा है, बच्चे सबको लगा रहे, पापा को भी लगाया। कुछ बोलना चाहोगे? जय बाबा सोमनाथ की। अब मम्मी को देखना, मम्मी क्या देख रहे सोच रहे हो बताओ तो? प्यारी बच्ची है, जस्ट मॉम थिंग्स गाइस। नीचे झुक जा थोड़ा सा, और पापा मना कर रहे हैं। तो चंदन तो ठंडा ही रहता। जय सोमनाथ। देखो कितना मस्त लग रहा है। वो बच्ची परेशान हो गई, बोले कि यार भैया आपके बाल तो ऊपर करो। बच्ची गाली दे रही थी इसको, पूरा वो इसको दे रही थी, इसकी हरकत ऐसी थी ना, वो बच्ची को भी नहीं छोड़ रहा उधर। तो गाइस पापा रस पहुँचने वाले, शिखर तो आपको दिखाई दिया था मैंने। तो गाइस हम लोग मंदिर के अंदर आ गए, बाकी अगर हो सकता है लोग अंदर फोटो वीडियो को मना कर सकते हैं तो देखते हैं, अगर हो जाएगा पॉसिबल तो दर्शन करवा देंगे, वरना जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अरे हमारी बुआ जी, हर हर महादेव। गाइस देखो हमारा चिकोली कितना मस्त लग रहा है, और ये चिकोली की माँ जीजू जिया जी। तो इधर हम लोगों ने दर्शन कर लिए, बाकी अभी रात में 9 बजे हो रहेंगे। अच्छा बना सकते तो ये बढ़िया, फिर शाम को 9 बजे आएंगे बड़ा गर्भगृह में जाके वहीं पर शूट करेंगे। बाकी ये भी क्या इधर महा अहिल्या जी, ये क्या मंदिर विध्वंस हो गया था तो इतने सारे क्या रेनोवेट करवा वापस से। इसको देखो यहाँ पढ़ना पूरा। तो गाइस यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अभी जरा मोबाइल सारा जमा करके बड़े अंदर जाएंगे दर्शन करने, और फिर बाहर ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे वापस आके। गाइस अभी हम लोग ब्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि सारे मोबाइल जब्त हो जा रहे हैं। देखो कितने सारे मोबाइल हो गए, ये देखो और आ गए बहुत सारे, करीबन 24 मोबाइल है हमारे पास, पता है सब अपने-अपने संभाल रहे हैं। गाइस देखो, गाइस देखो कितने सारे फोन हो गए। अब इधर के फोन अलाउड नहीं अंदर ले जाना, तो सब हम ये जमा करके मेरा फोन भी अंदर रखेंगे, ब्लॉगिंग कर नहीं पाएंगे हम। तो गाइस काफी समय बाद हमको हमारा फोन मिला, और मंदिर का दर्शन भी हो गया, बहुत ज्यादा थक गए हम लोग। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।